हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी मेडल चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 76 यानी वर्कशीट नंबर 76 की, जो क्लास 10th के सामाजिक ज्ञान के बच्चों के लिए दिनांक 31 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल किया गया है और जिसका विषय है अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद। तो प्रिय छात्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, कार्यपत्रक 74 और 75 में हमने असहयोग आंदोलन में शहरी तथा ग्रामीण लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इस कार्यपत्रक में हम असहयोग आंदोलन में बागान मजदूरों की भागीदारी तथा असहयोग आंदोलन के बाद हुए प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बागानों में स्वराज। देखिए, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी, वो अपने अपने हिसाब से समझते थे। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। जो असम के बागानी मजदूर थे उनको ये लगता था, ठीक है, कि आज़ादी का मतलब ये होता है कि जो चार दीवारी है उसमें जब मन चाहे आ जाएं और चले जाएं, ठीक है। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, ठीक है। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर चले गए। उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गाँव में ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया तथा बुरी तरह पिटाई हुई, ठीक है बेटा। अब इसके आगे देखिए, सभी ने अवज्ञा की, और किस तरीके से जो है लोग सभी ने अवज्ञा की तरफ उन्मुख हुए। तो देखिए, इसमें फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई और महात्मा गांधी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। और कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे और वे प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, मतलब इस आंदोलन से जो है वो थक गए थे और वे चाहते थे कि जो प्रांतीय परिषद के चुनाव है उसमें हिस्सा लें। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे वो ज़्यादा उग्र किस्म के थे और उनके द्वारा क्या था कि पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए भारत को, इसके लिए वो बार बार दबाव बना रहे थे ब्रिटिश हुकूमत पर। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की, ठीक है, जो 1928 में भारत आया था। तो देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। जो साइमन कमीशन था उसका जो प्रमुख काम था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उसका सुझाव देना उसके बारे में, ठीक है। लेकिन समस्या यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए, अगर कोई भी चीज़ हो, हमारे बीच की कोई बात हो, तो हमारे बीच का कोई आदमी होगा, वो सही से उसको समझेगा, उस पर बता सकता है कि हाँ इसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए, सारे के सारे बाहरी थे, सारे सारे मतलब इंग्लैंड के लोग थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और इसका कहीं ना कहीं भारत के लोग विरोध कर रहे हैं। सारे अंग्रेज थे इसमें। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया। जब 1928 में भारत आया साइमन कमीशन, तो यहाँ के लोगों द्वारा क्या किया गया कि साइमन कमीशन गो बैक, मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ हुआ।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाएगी। जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने क्या किया कि एक डोमिनियन स्टेट का नाम दे दिया, ठीक है, और उन्होंने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई। और इसके लिए क्या किया कि जो भी आगे बात होगी वो गोलमेज सम्मेलनों में होगी, ठीक है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा उस दिन को लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। जो कांग्रेस थी तो उसमें क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है, और यह कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और सभी लोग क्या करेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग की शपथ लेंगे। तो आज की वर्कशीट में आपसे कुल दो आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए इनके आंसर देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, असहयोग आंदोलन में बागानी मजदूरों की भागीदारी पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे, 1859 के अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दूसरी चीज़, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों श्रमिकों ने अधिकारियों को ललकारा और बागान छोड़ दिया और घर का रुख किया, ठीक है। इसमें हमको जोड़ना है असम में बागान श्रमिकों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे, श्रमिकों को स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार। दूसरा, गांव वापस जाने की अनुमति। तीसरा लिख लेंगे कि वे मानते थे कि गांधी राज आ गया है और सभी को उनके अपने गांवों में ज़मीन दी जाएगी। जो दूसरा प्रश्न है वो है साइमन कमीशन पर एक आपको संक्षिप्त नोट लिखना है। इसमें हम लिख लेंगे कि 1927 में जॉन साइमन थे के नेतृत्व में एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसे साइमन कमीशन कहा गया, जो 1928 में भारत आया। यह भारत में संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। समस्या यह थी कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारों के साथ हुआ था। तो बच्चों, इसी के साथ आज की ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो ऐसे में आप इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।